अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं यूट्यूब पर जो कि यूट्यूबर की नजर में तो वो मिस्टेक्स नहीं है और वो ना अनजाने में उस मिस्टेक को अपने चैनल पे कर रहा है, बट यूट्यूब की नजर में ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं और आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट भी हो सकता है, आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। ये कौन सी मिस्टेक्स हैं जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब की रिगार्डिंग नॉलेज देता हूं कि यूट्यूब से आप लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लो। वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, अब बहुत से लोग क्या करते हैं यूट्यूब के अगेंस्ट वीडियो बना रहे होते हैं। इधर बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका चैनल डिलीट हुआ, 4 to 5 million उसके सब्सक्राइबर थे, उसका चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद उसने दोबारा यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर 20 से 25 हजार सब्सक्राइबर हो चुके थे, ऐसे में उसका वो भी चैनल यूट्यूब डिलीट कर दिया गया। अब यूट्यूब चैनल उसका क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि वो यूट्यूब के अगेंस्ट वीडियो बना रहा था, मतलब अपना जो पुराना चैनल है उसके बारे में बता रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी और यूट्यूब चैनल ने डिलीट कर दिया था, तो ऐसे में यूट्यूब ने उसका दूसरा चैनल भी डिलीट कर दिया। यूट्यूब को लगा कि वो हमारे अगेंस्ट वीडियोस बना रहा है, तो आप लोग यूट्यूब के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना सकते, यानी कि इसका प्लेटफॉर्म बुरा है और किसी और ऐप का कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा है। मिस्टेक नंबर टू, अगर आप लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करते हैं। अब अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक यूज करते हैं जिससे यूजर को व्यूवर को अगर नुकसान होता है तो आप लोगों के यूट्यूब चैनल की वो वीडियो डिलीट हो सकती है, यूट्यूब चैनल भी आपका डिलीट हो सकता है। अगर आप लोग जो स्पैमिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन में स्पैमिंग कर रहे होते हैं, हैशटैग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे या कोई ऐसा लिंक देंगे जिससे कोई, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि अपनी लिंक में दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में कि अपनी डिटेल इधर फिल करो ऐसा, और उनका मोबाइल हैक हो जाता है, उनका पीसी हैक हो जाता है, तो ऐसे अगर आप कोई लिंक देते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल को नुकसान हो सकता है। मिस्टेक नंबर थ्री, अब ये मिस्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से माइंड में क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि क्या हम अगर एक वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं और वो हमारी खुद की वीडियो है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा फेस अपना है, मेरी वॉइस अपनी है, सारा कुछ अपना है, तो मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूं, उसके एक वीक गुजरने के बाद क्या मैं इसी वीडियो को अपने इसी YouTube चैनल पे दोबारा अपलोड कर सकता हूं, या मैं इसी वीडियो को अपने दूसरे YouTube चैनल पे अपलोड कर सकता हूं? नहीं भाई, अगर आप लोग ऐसा करेंगे आपको YouTube चैनल, दोनों YouTube चैनल, यानी कि एक YouTube चैनल भी YouTube चैनल, इस पे मैंने वीडियो पहले अपलोड की फिर एक वीक बाद इस चैनल पे अपलोड कर दी, तो मेरे ये दोनों YouTube चैनल डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक वीडियो शूट की उसको दूसरे चैनल पे भी डाल दिया, या आप लोगों ने बार बार उसी कंटेंट को रिपीट किया, मतलब ये वीडियो शूट करता हूं, जैसे मैंने अपलोड कर दी, उसके बाद एक वीक के बाद मैंने अपने ही चैनल पे इसी वीडियो को अपलोड कर दिया, या मैंने कट करके अपलोड किया, वो भी आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने इस मिस्टेक से बचना है। बहुत से लोगों के माइंड में है कि नहीं भाई, हम तो अपने ही फेस है ना, अपनी वॉइस है ना, तो वीडियो को क्यों दूसरी जगह अपलोड नहीं कर सकते, तो वो रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत आपकी यूट्यूब वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, मे बी आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाए। पॉइंट नंबर फोर, एफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस। बहुत से लोग YouTube पर बता रहे होते हैं कि आप लोग क्या करें, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस उठाएं, उधर से डाउनलोड करें। अब ये वीडियोस कौन सी होती हैं, कंपनीज अपनी किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो बनाती है, बहुत से लोग उसको उधर से उठाते हैं, YouTube पे अपलोड कर देते हैं, उसके बारे में अपनी वॉइस पीछे लगा देते हैं, उसके बारे में रिव्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये किया जा सकता है यूट्यूब पे? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस जो होती हैं कंपनीज ने पे करके बनाई हुई होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो को नहीं उठा सकते किसी भी वेबसाइट से और अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सकते। अब ऐसा अगर आप लोग करते हो, मेहनत भी करोगे, आपको आगे जाके नुकसान होगा। मिस्टेक नंबर फाइव, बहुत से लोग इसको मिस्टेक नहीं समझते, वो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री तरीके बता रहे थे किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज किया जाए, किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह क्रैक किया जाए। अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा नॉलेज देते हैं तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसी भी आप लोग पेड कोर्स को, पेड सॉफ्टवेयर को नहीं बता सकते कि उसको फ्री में किस तरह यूज किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये पांच मिस्टेक पता चल गई होंगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी, नेक्स्ट टाइम आप लोग अपनी वीडियोस पे, अपने चैनल पे ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।